यम्मी रेसिपीज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का अचार। मूली में पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ हम मूली का सलाद बना के खाते हैं, पर आज मैं आपको मूली का अचार बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमने एक मूली ली है, जिसको हम काट के अचार बनाना शुरू करते हैं। ये हमने आधी मूली ली है, इसको हम सबसे पहले छीलेंगे। इस तरह मूली का छील के उसके ऊपर कोई भी कचरा वगैरह हो या छोटे छोटे इसके ऊपर दाने होते हैं वो भी निकल जाते हैं। इसे हमने पहले धो लिया था, धोने के बाद अभी इसको छीला है। छीलने से मूली एकदम से क्लीन हो गई। अब इसको हम इस तरह से इसको हम लंबा लंबा काट के बनाएंगे, ऐसे इस तरह से। इस तरह से भी लंबा काट सकते हैं। ये मूली का अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब रोज खाने में थोड़ा एक वीक का पूरा बना के रख दीजिए, और बनाने के बाद जल्दी ख़राब नहीं होता है, एक वीक आराम से चल जाता है, और खाने के साथ आप रोज़ इसको ले सकते हैं। इस तरह हमने अपना मूली काट लिया है, आप देख सकते हैं मूली को इस तरह हमने लंबा लंबा काटा है। अब इसका अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए अभी हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। हमने 4 चम्मच टेबल स्पून तेल डाला है। अचार में थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम इसके अंदर 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, और 1/2 चम्मच हम इसमें कलौंजी डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच इसमें सौंफ डालेंगे। अब इसमें हरी मिर्ची हमने 5-6 काटी थी, इसको भी डाल देंगे। हरी मिर्ची का तीखापन इस मूली के अचार में बहुत अच्छा लगता है। आप ज़्यादा मिर्ची चाहिए तो ज़्यादा मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें 5-6 मिर्ची डाली है। अब हमारी सौंफ और कलौंजी ये पक गए हैं, इसके अंदर अब हम मूली डाल देते हैं, जिसको हमने काट के रखा था। अब हम इसमें 1/4 चम्मच की हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची डाली इसमें, 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम में इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर देखते हैं अपनी मूली पकी है नहीं। स्लो करते हैं, इसको ढक्कन लगा दिया। 2 मिनट के बाद हम मूली को वापस चेक करेंगे। अब हमारे 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। मूली को एक मूली को ऐसे दबा के देखेंगे, अभी तक मूली पकी नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए और रखते हैं, और स्लो फ्लेम में ही रखेंगे इसे। अचार इसमें कोई पानी नहीं डालना है, मूली के अंदर से जो पानी निकलता है उसी से अचार पक जाता है, और अचार बहुत टेस्टी बनता है। अब हम खोल के देखते हैं, ये 5 मिनट हो गए हैं, ये मूली हमारे पक गई, इसको बाहर निकाल के देख लेते हैं। देखिए मूली, इसको आराम से तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ मूली का अचार इसी तरह का पकाया। जब मूली दबने लग जाए तो समझ लो मूली का अचार ये बन गए। अब इसमें हम थोड़ा धनिया डालेंगे, धनिया मूली के अचार में लास्ट में ही डालने का, 1 चम्मच धनिया डालेंगे, और 2 मिनट के लिए अभी धनिया को पकाएंगे। और अब इसमें आप 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल देंगे। ये अमचूर पाउडर हम 1 चम्मच डाल रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा खटाई आती है इसमें, अच्छी लगती है। ये हल्का तीखा खट्टा अचार बनता है एकदम से, और बहुत अच्छा लगता है। ये अब हमारा अचार तैयार है, अब इसको सर्व कर सकते हैं, और गैस बंद कर देते हैं। मूली का अचार बनके तैयार है। इसको बनने में लगभग 15 मिनट लगे हैं। आप इसे ठंडा करके कांच की बोतल में भर के फ्रिज में रख दीजिए, और आराम से ये 1 वीक तक चल जाता है। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर
सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।